हाय, एक और विषय के साथ में आपके सामने। भाड़ोतरी है तो भाड़ोतरी के जैसा रहो, मालिक का जैसा नहीं। भाड़ोतरी है तो भाड़ोतरी जैसा रहो, मालिक का जैसा नहीं। ये घर का मालिक नहीं बोल रहा है, ये मालिक के अड़ोस पड़ोस के मालिक लोग बोल रहे हैं, या फिर दूसरे रेजिडेंट लोग जो रहते हैं बिल्डिंग में, वो लोग। नया भाड़ोतरी जब आता है तो उसको कैसा मेंटल टेंशन देने का, कैसे उसका हैरेसमेंट करने का, ये अपने दिमाग में ये सोल इंटेंशन रख कर कैसा उसको तकलीफ देने का, करने का, ये सब आइडिया सोच कर इन लोग इस तरह से। भाड़ोतरी है तो भाड़ोतरी के जैसा रहने का। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता दिया कि ये ओनर्स लोग जितने भी होते हैं, भाड़ोतरी का ओनर नहीं, भाड़ोतरी के पड़ोसी नेबर जो नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, और जो दूसरे रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को तकलीफ होता है कि ये जो ओनर ने भाड़े पे दिया है कहीं और रहता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कहीं और रहता है, ये अच्छा बड़ा कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, उससे तो वैसे ही वो लोग जल बुझ के मर रहे हैं वो ओनर के नाम पे। ऐसे वो ओनर को अच्छा भाड़ोतरी नहीं मिले, अच्छा घर नहीं मिले और अच्छा रेंट नहीं मिले बोल के वो टेनेंट को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। ये वो ओनर को मालूम नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरा कैटेगरी है कि जब टेनेंट, कोई भी नया टेनेंट आता है, उसका रहन सहन देकर, उसका गाड़ी देकर, उसका औहदा देकर, उसका प्रोफेशन देकर, वो भी देखकर तकलीफ होता है। बोलते क्या अकड़ के चलता है, बात करता नहीं है, देखो कैसा है, भाड़ोतरियों के रुबाब है, हंसता नहीं है, ऐसा चलता है, ऐसे जाता है, वो मॉल में जाके क्या क्या करके खरीद के आता है, उसके बच्चे देखो क्या क्या कपड़ा पहनते, क्या करते हैं, कौन आया उसके घर में, कौन नहीं आया उसके घर में, क्या नहीं आया उसके घर में, दिस ऑल नॉनसेंस थिंग्स सब चलता रहता है सोसाइटी में। खैर, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का विषय है फोन टैपिंग और स्पाइंग द एक्टिविटीज ऑफ द टेनेंट। भाड़ोतरी के ऊपर नजर रखना और उसका जासूसी करना, उसका पीछे जासूसी करना। बिल्डिंग के बहुत से ये जो नेबर्स है नीचे जो रहते हैं, आजू बाजू के ऊपर नीचे और ये रेजिडेंट वाले रहते हैं, उन लोग सब लोग सोच लेते हैं कि यार ये आदमी से पटेगा नहीं, ये भाड़ोतरी से पटेगा नहीं, तो इसको किस तरह से भगाने का। तो एक इंसिडेंट ऐसा आया है कि भाड़ोतरी का फोन रिकॉर्डिंग किया। फोन टैपिंग करना मतलब कोई औजार इक्विपमेंट रखकर टैपिंग करना, वो पुलिस लोग जो करते हैं। ये फोन रिकॉर्डिंग करना, मतलब जब भाड़ोतरी अपना बालकनी में कटरे के बात कर रहा है तो अपनी बालकनी में आकर कमर से नीचे झुककर हाथ लंबा करके ऐसा मोबाइल को लगा के रिकॉर्डिंग करके सुनने का, क्या है उसको रिकॉर्ड कर लेने का। अगर वो घर के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं तो छुपके से उसके दरवाजे पे जाने का और दरवाजे के बाजू में खड़ा रह के छुपके से वो मोबाइल लगा के घर के अंदर क्या बातचीत चल रही है वो सब रिकॉर्ड करने का, और उसके बाद में वो लेके जाकर सभी लोग को दिखाने का, ओनर को दिखाने का, देखो तुम्हारा भाड़ोतरी कितना आवाज करता है, कैसा बात करता है, वो घर के अंदर गाली देता है, चिल्लाता है, गाता है, नाचता है, म्यूजिक बजाता है, बहुत कुछ हंगामा करता है, उसके मेहमान लोग इतने जोर जोर से हंसते हैं, हम लोग को तकलीफ होता है। उसके बाद में ओनर क्या करता है, ओनर 90% ओनर तो पागल ही होते हैं, डरपोक। ये पागल लोगों के साथ में मिल के वो भी पागल हो जाता है, वो हाँ ये तो बहुत बड़ा गलत बात हो गया, वो भाग के आएगा।
अरे अरे आपने ऐसा कर दिया, बाजू बाजू वाले लोगों को तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है वो रहे, आप घर खाली करो घर खाली करो। आप जैसे आदमी नहीं मांगते, आप इतना जोर से बात करता है, आपका आवाज जाता है, आप गाली देता है, आप चिल्लाता है, गाता है, रोता है, क्या क्या करता है, झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है। अभी बढ़ोतरी घर में आया ही नहीं कि यह 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हो गया, 8 दिन नहीं हो गया, या महीना नहीं हुआ, तो शुरू ये पूरा लोगों का कंप्लेंट। अरे पहले उसको सेटल तो होने दो, सेटल होने कुछ दिया नहीं, बस आया नहीं कि कंप्लेंट चालू, और ये ओनर भी सर में चढ़ के बैठ गया। ऐसा केस है ये कमाल का। 2-4 महीने गुजर जाते, 6 महीने गुजर जाते तो बात अलग हो जाती है, तो शुरुआत में ही आया वैसे ही। अपना दरवाजा खोल के देखो उसके घर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। अरे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का क्या एक्टिविटी है, कहाँ से इन लोग इतना पैसा आ रहा है। तो चलो इन लोग का घर का जासूसी करते हैं, स्पाइंग करते हैं। तो ऐसा अगर आपके जिंदगी में, अगर किसी के भी जिंदगी में अगर ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल में बात कर रहे हैं और आपका मोबाइल का कॉन्वर्जेशन अगर पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कड़ोसी ने किसी ने भी अगर रिकॉर्ड किया है, और बेस्ड ऑन दैट अगर ओनर या सोसाइटी आकर आपको नोटिस देता है, तो आप खामोशी से पहले काम करना, नोटिस ले लेना हाथ में, नहीं तो नोटिस लेके ही भाग जाएगा, कुछ बोलना नहीं, नोटिस ही हाथ में ले लेना। उसके बाद में उसको बोलना कि वो रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग जो है वो लाओ जरा, वो रिकॉर्डिंग देगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इलीगल है, किसी का भी फोन में बात करता हुआ रिकॉर्डिंग अपन नहीं कर सकता है। कोई हमसे बात करे तो हमारे मोबाइल के इक्विपमेंट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, एक दूसरे से बात करते तो रिकॉर्डिंग हो जाता है ना। लेकिन अगर भाड़ोत्री अगर बात कर रहा है बालकनी में खड़ा रह के या अपने घर के अंदर, तो बालकनी में झुक के कमर झुक के उसका रिकॉर्डिंग करो, और दरवाजे पे घर के अंदर बैठ के बात कर रहा है तो घर का दरवाजे में आकर छुपके से रिकॉर्डिंग करो। अगर ऐसा कोई नोटिस वोटिस अगर आपको ला के देते हैं तो कानून अंदर ये गलत है, ये इलीगल है, इसके ऊपर से आप एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन। अगर कोई भी ओनर का पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी बिल्डिंग के रेजिडेंट वाले कोई भी अगर आकर आपका अगर फोन कॉन्वर्सेशन अगर रिकॉर्ड करता है, टैपिंग नहीं, टैपिंग अलग बात है, रिकॉर्ड करता है तो क्राइम करता है, तो आईटी एक्ट के अंदर उसको जेल में जाना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं पड़ेगा, जेल में जाएगा, उसके ऊपर FIR रजिस्टर होता है। उसके बाद में उस रिकॉर्डिंग को लेकर 10 लोगों को 15 लोगों को 20 लोगों को दिया, इसका मतलब इज्जत निकाला, उसके सीक्रेट्स दुनिया को बताया, उसके कॉन्वर्सेशन दुनिया को बताया, इसका मतलब इज्जत का दावा, डेफामेशन, आईपीसी भी लागू होता है। ऊपर से अगर आप लोग चाहें क्रिमिनल केस कर दो, उनको जेल में भी तो भेजो, उसके साथ साथ यू कैन क्लेम डैमेजेस, आपको जो मानसिक तकलीफ दिया, आपका जो इज्जत निकाला, उसका आप डैमेजेस कंपनसेशन पिटीशन बना सकते हैं, दैट इज बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन में जाने का और कंपनसेशन क्लेम करने का अपनी हैसियत के हिसाब से। अगर बड़े ओहदे पे है, प्रोफेशनल है, तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख मांगो कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग ये लोग ने किया है, तो आपका कंपनसेशन भी मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई भी ओनर अगर आपको ऐसे इल्लीगल फोन कॉन्वर्सेशन लेकर अगर आपके पास आया और आपको घर खाली करने के लिए बोला या किसी भी तरह का तकलीफ दिया, तो उनके ऊपर FIR करो और उनके ऊपर से डैमेजेस क्लेम करो बिफोर द हाई कोर्ट एंड क्रिमिनल केस करो लोअर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, एंड फाइल कंपनसेशन पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, वो भी मिल जाएगा। छोड़ने का नहीं, बर्दाश्त करने का नहीं।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह का कोई इल्लीगल फोन कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग अगर आपके पड़ोसी ने किया है और उसी बेस पे अगर ओनर आपको आकर आपके घर से निकालने का कोशिश करता है, तो आप उस रिकॉर्ड करने वाले आदमी पर और ओनर पर, इन दोनों पर आप FIR कर सकते हो और इन दोनों से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्रिमिनल केस आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर करिए और डैमेजेस और कंपनसेशन चाहिए तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाइए अपने हैसियत के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी है वो आप क्लेम करो, यू विल गेट इट। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, ये ओनर लोगों का मोनोपोली है कि उनके बिल्डिंग में ओनर लोग चिल्लाएंगे, गाएंगे, धोएंगे, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, गाली गलौच होएगा, झगड़ा होएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनका नेबर लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक भाड़ोत्री आकर अगर उसके घर में अगर झगड़ा होता है या कोई आवाज आता है या कुछ भी होता है तो इन सबको तकलीफ होता है और ओनर कभी सपोर्ट करता नहीं है। बहुत कम ओनर है जो सपोर्ट करते हैं, बहुत कम ओनर है जो सपोर्ट करते हैं। वो कहता है अरे भाई उसको मैंने घर दिया है, वो उसका घर है, वो गाएगा, नाचेगा, चिल्लाएगा, गाली देगा। वो किसको गाली दे रहे है, क्या गाली दे रहे, तुमको क्या करने का, वो फोन में बात कर रहे हैं, तुमको क्या करने का है, फोन में गाली देगा, गाना गाएगा, कुछ भी कर, तुमको क्या करने का है। 10% ओनर ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे रॉयल खानदान से। ये जो चिंदी खानदान के होते हैं वो तो पलिया ओ करके करता है। तो ये ओनर लोगों की ज्यादा करिए, अगर आप लोगों को अगर बंद करना है तो बी वेरी स्ट्रिक्ट, किसी को भी छोड़ो मत अगर इस तरह से। क्योंकि और एक बात मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फोन टैपिंग करना मतलब फोन का थ्रू फोन बात करना, फोन से आपने किसी को बात कर दिया वो चलो टैप हो गया, वो इक्विपमेंट वो अलग क्राइम हो गया, वो भी प्रूव करना मुश्किल है, उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर्स लगते हैं। लेकिन अगर फोन किसी कोई फोन में बात कर रहे हैं, अकेले में छुप के बात कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, रस्ते में बात कर रहे हैं, या कोने में बात कर रहे हैं, या मॉल में बात कर रहे हैं, या अपने टॉयलेट में बात कर रहे हैं, तुम जाके छुप के अगर रिकॉर्डिंग करोगे दैट इज नोन एज स्पाइंग, जासूसी करना, उसके लिए क्रिमिनल एक्शन जरूर होता है, उस आदमी पे FIR जरूर होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिकॉज वो आदमी इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स, योर राइट टू प्राइवेसी, आपका राइट ऑफ प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है वो। इस वजह से ही कंपनसेशन रखा है, राइट टू प्राइवेसी को तोड़ा, फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा है तो कंपनसेशन दे दो। इलीगल रिकॉर्डिंग किया तो जेल में जाओ, गो टू जेल सीधा, किसी का बाप का राज नहीं है कि ऐसे किसी का भी रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग तुम करोगे। हर बात का कानून है, ऐसी हरकतें करने से पहला हर इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ओनर है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, भाड़ोत्री बेचारा वो घर खाली करने में उसको तकलीफ होएगा तो उसको तकलीफ देने का। सो बर्दाश्त मत करो, टॉलरेट मत करो। अगर ऐसा कोई भी माहौल या सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम, इसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके सामने पेश है तो वो जो रिकॉर्डिंग किया, वो जो भी जिसने भी रिकॉर्डिंग किया उस पर और उस मालिक पर, अगर मालिक साथ देता है तो ठीक है, अगर नहीं दिया, अगर साथ दिया तो उस पर नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने वाले को पकड़ो। अगर नहीं ओनर ने साथ दिया तो ओनर के ऊपर भी FIR करो और उससे भी कंपनसेशन ले लो। किस तरह से लेना है मैंने आपको पहले बता दिया, क्रिमिनल केस इन मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड कंपनसेशन इन हाई कोर्ट।